मैं पहले से कहता हूं
मैं आपके पास खड़ा हूं
और मेरे ईशान ने मेरे नाम ऊपर हमने बना दिया। अब तेरी माँ मेरी बहन को पीट रही थी तो क्या आंखें खुल गई? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी माँ है, मेरी बहन है। अगर मेरी माँ के ऊपर कोई हैंडर चलाया तो निश्चित रूप से तो तेरे जिसमें राजपूत की खून बने हुए खून मेरे में जिसम है, अगर एक भी लफ्ज बोला तो नौ जुर्म बन ले। लेकिन महाराज इस हंडर का बदला ला चुकाया तो मैं, मेरा नाम मुखरानी नहीं, याद रखना। पिताजी देखिए वो बार बार धमकी देना अच्छा नहीं लगता है, चलो मैं ऐसे चल यहाँ चल देखा जाए। महाराज इस हंडर का बदला ना चुकाया तो मेरा नाम मुखरानी नहीं। बाबूजी बाबूजी क्या जरूरत थी ये सब कहने के लिए कि जो मुझसे शादी करेगा आगे रियासत का मालिक बनेगा? ठेका ये रियासत उसके बाप का है। भैया भैया तुम नहीं जानते हो, माँ के रवैया को देखते हो, तो बाबूजी को जरा भी तरसली खाती है, उसे जरा भी डर नहीं लगता, बाबूजी से जुबान लड़ाती, मुझे अच्छा नहीं लगता भैया। अरे भाई रेखा बहन, अरे इसी तरह से खुशबीर होगी तो आज मां नहीं कर गला भी दबा दी। भैया मैं क्या करूं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं बदनसीब हूँ, पागल हूँ। नहीं बेटी ऐसा मत करो, बाबूजी मैं पागल नहीं तो क्या हूँ, बचपन में जन्म देंगे मेरी माँ हमें छोड़कर चल बसी, भगवान मेरी आंखें ले लिए। अरे पगली इस संसार में न जाने कितने बच्चों को माँ जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, तो क्या हम लोग हाँ बहन मेरे चिंता करने का माँ चल बसी मैं तो जिंदा हूँ। अरे मुझे प्यारी की जिंदगी अभी और लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे भैया फूल सिंह भैया तुझे ना कहते तो भी मैं बहन कहने भैया, अगर नहीं समझते हैं कि तो आप मेरा कर्मचारी है, मैं समझता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। ठीक आप
चिंता ना कीजिए, मैं बहन का हमेशा जिंदा देखती हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा भैया। अरे कब लाई होई ना, कब लाई होई ना, घर में आऊँ मैं दुल्हन का। महाराष्ट्र ने मुझे हंटर से मारा है, लेकिन अब मैं तुम्हें स्टूडियो से उठाऊंगी। अब इसी वक्त मैं द्वारपाल को बुलाऊंगी और सेनापति से मिलूंगी, उसे बुलवाऊंगी, उसे मिलूंगी, उससे कहेंगे महाराज को स्टूडियो से उठाऊंगी, तब इसके बाद फिर राज चलाऊंगी। द्वारपाल जी महाराज, चार सेनापति को सीधा भेज दो। वो देखो भैया, सीधा नहीं खाने वाला सेनापति को मेरे पास बुला कर लेकर आओ। नमस्कार, मैं आपका छोटा मोटा नौकर होता हूँ। महारानी जी का आदेश है कि सेनापति को शीघ्र बुला कर दो। अभी तक कोई पता नहीं चला, आने दो। Thank you.
پتھر ہاں کرو نرانی تم ہے مجھ پہ چڑھ سکتا نہیں چڑھا رہی جو کرسی اگر کھاتا نہیں کرسی اگر کھاتا نہیں دیکھ کے میری حال آج تیرے اس بدن جی کھیچوں گی کوڑوں سے کھاؤ کیا کرے ہم اس ٹائم حویلی میں آ کر مجبور ہو گئے چاہے کھال کھینچو یا جان سے مار دو لیکن آج دے ہم اس معاملے میں نہیں سکتے سینابتی ابھی بھی ہوتا ہے سمجھ رہا ہوں مہارانی جی سینابتی ہمیشہ ہوش و حواس میں رہتا ہے جب بھی پورے رات اور سینا کے میں مالک ہوں مانگا میرے راجا ارے کہاں ہم سب کچھ تمہارا ہو جائے گا نہیں بابا ہمیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے کیوں کیوں نہیں چاہیے بکواس کریں گے آپ تو یہاں سے ہم چلے جائیں گے کہاں جاؤ گے یہاں سے میں جانے دوں گی یہاں سے میں جانے دوں گی ارے یار سب تیماری بن جائے ہر طرف سے بن گیا یار جانے دوں अरे क्या है भैया तू हमसे मेरा अरे क्या है भैया अरे तू हमसे मेरा छोड़ सुस्ती हे हमारा राजा छोड़ सुस्ती भला हमसे کیا کہہ رہے ہو کیا بار بار سوکھا جیسا بلا رہی ہے کیا بات ہے تم نہیں مانو گے ہم آپ کے چکر میں آئیں گے مہارانی تو ہمیں ایک دن تھاکے پہ چھوڑنا پڑے گا یہ کیوں نہیں سوچتی آپ تو تیار ہو جاؤ تیار انہیں ہاتھوں سے جھنڈے چلوا رہے ہو ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ محبت کے چکر میں جو بھی پڑی پڑا وہ سکھی نہیں یا تو جیل دیکھنا پڑا یا تو پھر پھانسی کھانا پڑا تو ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ Oh,
सच कहते हो आप ये बताइए कि आप सच्चे दिल से प्यार करती हैं जी हाँ सच्चे दिल से सच्चे दिल से कसम भोलेनाथ कसम भोलेनाथ कसम उस माता जी की कसम उस माता की तो ये सेनापति वादा करता है कि आपका जहां पसीना वहां हम खून दे देते तो तुम काम करोगे आप बोलिए आप तो सेनापति राजन को भेजो सारी जागी कमाली और तुम पढ़ते रहो उम्र भर मौज लूटो मेरे साथ आए सारी जागी कमाली आप आपने फरमाते फरमाते ईश्वर आप बात फरमाया कि हमें पहाड़ से लड़ना पड़ेगा व्यक्ति से नहीं पहाड़ से राजा की बात है लेकिन अगर आप मेरा साथ दे रही है कोई फर्क नहीं होगा राजा जो हो चकमा दे के मार देंगे जान से मेरा वादा है तो ठीक है जाओ महाराज को इस दुनिया से उठा के तभी मुझे अपना शक्ल दिखाना लेकिन वाकई में है आपसे बताए क्या जिस दिन तुम दरबार में आई थी पहली बार उसी दिन से हमारे दिल में सिर्फ आप चाहे हमें पहाड़ से टक्कर लेना पड़े तो हम ले लेंगे अरे चाहे है मामा गाने लाखों सिक्का महाराज को इस दुनिया से उठाएंगे फिर हम तुम्हें अपने पहों में लेंगे तब मजा आएगा जाना तब मजा आएगा मैं वो दिन इंतजार कर तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा बस कुछ टाइम लेना पड़ेगा तो अब हम चले शकल उस दिन दिखाएंगे जिस दिन महाराज को इस दुनिया से ठीक है तो चलो अच्छा तो बाय महाराज अब तुम जाओ इस दुनिया से द्वारपाल इधर आओ जाओ रेखा को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ और ये भी सुन लो कपड़ा और घड़ा कैसन कपड़ा कपड़ा कैसा जो अंदर मेरा सब कपड़ा हे आप कैसन कुछ खाए हो कहा हमें बदतमीज जा ले करो Thank you.
جانے دو ہر شادی کو آپ نہ دیتا مادر مدیدہ بھئی دیکھا یہ آپ کی چھوٹی ماں بلا رہی ہے ماں آپ مجھے بلائیں بلائیں کام ہے کام ہوگا تو کیوں بلاتی کیا کام ہے ماں تو میری باتوں کوئی کاشوں دھیان سے میری ماں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں